दोस्तों, संसार में सिख धर्म और सिख लोग अपनी पवित्रता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। सिख धर्म 15वीं सदी में भारतीय संत मत से निकला एक पंथ है जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। इसमें सनातन धर्म का प्रभाव मिलता है। इस पंथ के अनुयायियों को सिख कहा जाता है। सिखों का धार्मिक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म में अकाली, नामधारी तथा उदासी संप्रदाय प्रमुख हैं। आमतौर पर सिखों के 10 सतगुरु माने जाते हैं, लेकिन सिखों के धार्मिक ग्रंथ में 6 गुरुओं सहित 30 भक्तों की वाणी है, जिनकी समान सिखाओं को सिख मार्ग पर चलने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सिखों के धार्मिक स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। 1469 ईस्वी में पंजाब में जन्मे गुरु नानक देव ने गुरमत को खोजा और गुरमत की सिखाओं को देश देशांतर में खुद जाकर फैलाया। सिख उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। गुरुमत का प्रचार बाकी 9 गुरुओं ने किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रचार खालसा को सौंपा और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब की सिखाओं पर अमल करने का उपदेश दिया। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। विभिन्न जातियों के लोगों ने सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया। 5 प्यारों ने फिर गुरु गोविंद सिंह को अमृत देकर खालसे में शामिल कर लिया। इस ऐतिहासिक घटना ने सिख पंथ के तकरीबन 300 साल के इतिहास को तरतीब किया। संत कबीर, धन्ना, साधना, रामानंद, परमानंद, नामदेव इत्यादि जिनकी वाणी आदि ग्रंथ में दर्ज है, उन भक्तों को भी सिख सतगुरुओं के समान माना जाता है और उनकी सिखाओं पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सिख एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे वे एक ओंकार कहते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर अकाल और निरंकार है। सिख धर्म का इतिहास बड़ा ही अनूठा है। सिख पंथ का इतिहास, पंजाब का इतिहास, दक्षिण एशिया, मौजूदा पाकिस्तान और भारत के 16वीं सदी के सामाजिक राजनीतिक माहौल से बहुत मिलता जुलता है। दक्षिण एशिया पर मुगलिया सल्तनत के दौरान 1556 ईस्वी से 1707 तक लोगों के मानवाधिकार की हिफाजत हेतु सिखों के संघर्ष उस समय की हुकूमत से थी। इस कारण से सिख गुरुओं ने मुस्लिम मुगलों के हाथों बलिदान दिया। इस क्रम के दौरान मुगलों के खिलाफ सिखों का फौजीकरण हुआ। सिख मिसलों के अधीन सिख राज स्थापित हुआ और महाराजा रणजीत सिंह के हुकूमत के अधीन सिख साम्राज्य, जो एक ताकतवर साम्राज्य होने के बावजूद ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए धार्मिक तौर पर सहनशील और धर्मनिरपेक्ष था। आमतौर पर सिख साम्राज्य की स्थापना सिख धर्म के राजनीतिक तल का शिखर माना जाता है। इस समय पर ही सिख साम्राज्य में कश्मीर, लद्दाख और पेशावर शामिल हुए थे। हरि सिंह नलवा खालसा फौज का मुख्य जनरल था, जिसने खालसा पंथ का नेतृत्व करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से पार दर्रे खैबर पर फतह हासिल करके सिख साम्राज्य की सरहद का विस्तार किया। धर्मनिरपेक्ष सिख साम्राज्य के प्रबंध के दौरान फौजी, आर्थिक और सरकारी सुधार हुए थे। 1947 के बाद पंजाब का बंटवारा की तरफ बढ़ रहे महीनों के दौरान पंजाब में सिखों और मुसलमानों के दरमियान तनाव वाला माहौल था, जिसने पश्चिम पंजाब के सिखों और हिंदुओं और दूसरी ओर पूर्व पंजाब के मुसलमानों का प्रवास संघर्षमय बनाया। सिख मत की शुरुआत ही एक से होती है। सिखों के धर्म ग्रंथ में एक की ही व्याख्या है। एक को निरंकार, पार ब्रह्म आदि गुणवाचक नामों से जाना जाता है। निरंकार का स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने शुरुआत में बताया है, जिसको आम भाषा में मूल मंत्र कहते हैं। एक ओंकार सती नामु करतार पुरखु निर्भावो निर्वैरु अकाल मूर्त अजुनु स्वयभंग गुरु प्रसादी। तकरीबन सभी धर्म इसी एक की आराधना करते हैं, लेकिन एक ही विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र व व्याख्या श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दी गई है, वो अपने आप में निराली है। जीवात्मा जो निराकार है, उसके पास निरंकार के सिर्फ 4 ही गुण व्याप्त हैं, ओंकार, सतीनाम, कर्ता, पूरक, स्वयं भंग। बाकी 4 गुण प्राप्त करते ही जीव आत्मा वापिस निरंकार में समा जाती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जीव आत्मा को खुद को गुरमत के ज्ञान द्वारा समझना जरूरी है। इसे सिख धर्म में आत्मचिंतन कहा जाता है। आत्मा का निराकारी स्वरूप मन, चित्त, सूरत, बुद्धि, मति आदि की जानकारी सिख धर्म के मूल शिखाओं में दी जाती है।
इनकी गतिविधियों को समझकर इंसान खुद को समझ सकता है। सिख धर्म की शुरुआत ही आत्मज्ञान से होती है। आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, वजूद क्यों है, करना क्या है, इत्यादि रूहानियत के विषय सिख प्रचार द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आत्मा के विकार क्या हैं, कैसे विकार मुक्त हों, आत्मा स्वयं निरंकार ही अंश है, निरंकार की अंश है, इसका ज्ञान करवाते करवाते निरंकार का ज्ञान हो जाता है। सिख मत कार्मिक फलसफे में यकीन नहीं रखता। अन्य धर्मों का कहना है कि प्रभु को अच्छे कर्म पसंद हैं और बुरे कर्मों वालों के साथ परमेश्वर बहुत बुरा करता है, लेकिन सिख धर्म के अनुसार इंसान खुद कुछ कर ही नहीं सकता। इंसान सिर्फ सोचने तक सीमित है, करता वही है जो हुक्म में है, चाहे वो किसी गरीब को दान दे रहा हो या कुछ और कर रहा हो। यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शुरू में ही दृढ़ करवा दी गई थी। इसलिए गुरमत में पाप पुण्य को नहीं माना जाता। अगर इंसान कोई क्रिया करता है तो वो अंतरात्मा के साथ आवाज़ मिलाकर करे, यही कारण है कि गुरमत कर्मकांड के विरुद्ध है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने समय के भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर करते हुए जनसाधारण को धर्म के ठेकेदारों, पंडों, पीरों आदि के चंगुल से मुक्त करने की कोशिश की। चार पदार्थ सिख धर्म में चार पदार्थ। पहला ज्ञान पदार्थ या प्रेम पदार्थ। यह पदार्थ किसी से ज्ञान लेकर प्राप्त होता है, कहीं से गुरुमत का ज्ञान पढ़कर या समझकर। भक्त लोग ये पदार्थ देते हैं, इससे माया में रहकर माया से टूटने का ज्ञान है। सब विकारों को त्यागना और निरंकार को प्राप्ति करना ही विषय है। दूसरा मुक्त पदार्थ, ज्ञान के बाद ही मुक्त है। माया की प्यास खत्म हो गई है, मन चित्त एक है, जीव सिर्फ नाम की आराधना करता है, इसको जीवित मुक्त कहते हैं। तीसरा नाम पदार्थ, नाम आराधना से प्राप्त किया हुआ निराकारी ज्ञान है, इसको धूर की बनी भी कहते हैं। ये बगैर कानों के सुनी जाती है और हृदय में प्रकट होती है। यह नाम ही जीवित करता है, आंखें खोल देता है, तीन लोक का ज्ञान मिल जाता है। चौथा और अंतिम जन्म पदार्थ, नानक नाम मिले ता जीवा, यह निराकारी जन्म है, बस शरीर में है लेकिन सूरत शब्द के साथ जुड़ गई है, शरीर से प्रेम नहीं है, दुख सुख कुछ भी नहीं मानता, पाप पुण्य कुछ भी नहीं, बस जो हुक्म होता है वो करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को चार पदार्थों में नहीं लिया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, ज्ञान के विहीन लोभ मोह में परवीन, कामना अधीन कैसे पावे भगवंत को। वस्तु पूजा का खंडन, सिखमत में भक्तों एवं सतगुरु ने निरंकार को आकार रहित कहा है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ तो एक दिन खत्म हो जाते हैं लेकिन परब्रह्म कभी नहीं मरता, इसलिए उसे अकाल कहा गया है। यही नहीं, जीव आत्मा भी आकार रहित है और इस शरीर के साथ कुछ समय के लिए बंधी है। इसका वजूद शरीर के बगैर भी है, जो आम मनुष्य की बुद्धि से दूर है। यही कारण है कि सिख मत मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। सतगुरुओं एवं भक्तों ने मूर्ति पूजकों को अंधा, जानवर इत्यादि शब्दों से निवाजा है, उसकी तस्वीरें बने नहीं जा सकती। यही नहीं, कोई भी संसारी पदार्थ जैसे कि कवर भक्तों एवं सतगुरुओं के ऐतिहासिक पदार्थ, प्रतिमाएं आदि को पूजना सिखों के बुनियादी वसूलों के खिलाफ है। धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान एक विधि जो निरंकार के देश की तरफ लेकर जाती है, जिसके समक्ष सिख नतमस्तक होते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों की पूजा भी सिखों के बुनियादी वसूलों के खिलाफ है। अवतारवाद और पैगंबरवाद का खंडन, सिखमत में हर जीव को अवतार कहा गया है, हर जीव उस निरंकार की अंश है। संसार में कोई भी पंछी, पशु, पेड़ इत्यादि अवतार हैं। मानुष की योनि में जीव अपना ज्ञान पूरा करने के लिए अवतरित हुआ है। व्यक्ति की पूजा सिख धर्म में नहीं है। मानुष की टेक बिरथी सब जानत देने को एक भगवान। तमाम अवतार एक निरंकार की शर्त पर पूरे नहीं उतरते, कोई भी अजूनी नहीं है। यही कारण है कि सिख किसी को परमेश्वर के रूप में नहीं मानते। हाँ, अगर कोई अवतार गुरमत का उपदेश करता है तो सिख उस उपदेश के साथ जरूर जुड़े रहते हैं। जैसा कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा मरती नहीं और वह जीव हत्या कुछ नहीं होती। इस बात से तो सिखमत सहमत है, लेकिन आगे कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही धर्म है, जिससे सिख धर्म सहमत नहीं है। पैगंबर वो है जो निरंकार का संदेश अथवा ज्ञान आम लोकई में बाँटे, जैसा कि इस्लाम में कहा है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है। सिखों में कहा गया है कि हर जुग जुग भक्त उपाया, भक्त समय दर समय पैदा होते हैं
और निरंकार का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। सिख मत ला इलाहा इल्ल अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, से सहमत हैं, लेकिन सिर्फ मोहम्मद ही रसूल अल्लाह, इस बात से सहमत नहीं। अर्जुन देव जी कहते हैं, धूर की वाणी आई तीन सगली चीत मिटाई, अर्थात मुझे धूर से वाणी आई है और मेरी सगल चिताएँ मिट गई हैं, कि ओकि जिसकी ताक में मैं बैठा था मुझे वो मिल गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।